हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स किचन। में आइए आपको मैं अपना छोटा सा बगान दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। कुम्भरे का साग जो मैं लूंगी अपने बगान से, देखिए। भिंडी को तोड़ते समय ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा खुजली होता है। आइए स्टार्ट करते हैं साग बनाना। तो मैं कढ़ाई इधर चढ़ा ली हूँ, इसमें ऐड करूंगी तेल। प्रोफेशनल कैमरामैन इज हियर, ड्रैग राइडर। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड करूंगी सूखा लाल मिर्च, प्याज। अब मिक्स करना है इसको। देखिए ये धीरे धीरे भून रहा है, अब इसमें ऐड कर दूंगी, ये भिंडी ऐड करेंगे। जब तक ये भिंडी भून रहा है तब तक मैं ये साग को मसल के थोड़ा सा मुलायम कर लेती हूँ, नहीं तो इसमें जो काटा काटा जो रहता है ना, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। ध्यान से देखिए रेसिपी को, इस तरह से मसलना है, ध्यान से देखिए, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे रेसिपी। और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। इसको जितना अच्छी तरह से आप लोग मिक्स करोगे उतना टेस्टी लगेगा। इधर देखिए मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है टोमेटो काटने में। ये देखिए हल्का भून गया है, अब इसमें ऐड करना है झींगा। अब इसको मिक्स कर ले।
ये देखिए हो चुका है, ये मुलायम हो चुका है, तो फिर भी मैं और थोड़ी देर रगड़ लेती हूँ। ये देखिए हो चुका है, देखिए ये भी अब हल्का भून चुका है, देखिए बीच बीच में इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए लगभग हो चुका है, ये देखिए हो चुका। इसमें ऐड करना है ये साग, सबको मिक्स कर ले। ये देखिए सब मिक्स हो चुका है, अब इसमें नमक ऐड करना है। सबको मिक्स कर ले। इसको हमेशा तेज आंच में ही आप लोग बनाइएगा। ये देखिए अब भी इसे कितना मजेदार लग रहा है। सब सब्जियां आपस में मिल चुकी हैं, तो अब इसमें ऐड कर दीजिए एक टमाटर। ये देखिए दोस्तों कितना लजीज लग रहा है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया है। देखिए इसमें पानी निकलना शुरू हो गया है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढक दो। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसका आंच को कम कर दे। अब इसको स्लो आंच में धीरे धीरे पकाइएगा। देखिए ये हो चुका है, बन गया हमारा कोहरा का साग। देखिए ये हो चुका है, कितना लजीज लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़रूर ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।